हेलो बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है अपना है वो त्रिभुज। त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने बनाते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। आधार कितना दिया हुआ है अपने को 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई अपने को, ये ऊंचाई होती है सीधी लाइन, ये ऊंचाई अपने को नहीं दी हुई, और इस पूरे का अपने को जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ 50। तो सबसे पहले अपने को त्रिभुज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला है। क्षेत्रफल अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर की स्केयर। 1/2 आधार कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे बराबर का निशान, जो गुना में होता है वो भाग में, जो भाग में होता है वो गुना में। ये गुना भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में। ये गुना में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में। इजकल टू एच, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे 5 था, ये हो जाएगा अपना 10, ये कट जाएगा। तो ऊंचाई अपनी कितनी? 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। अब अपने को आंसर चेक करना है अपना सही है या गलत है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दिया हुआ है? 5, और ऊंचाई अपने ने कितनी निकाल ली? 20। इसको काटेंगे 10, आंसर कितना आ गया? 50, यानी क्षेत्रफल 50 जो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।